जब 31 अगस्त में जब ये आ गया तो आपने बोला है कि 85,000, तो इसका ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लाइक बट एज ऑफ नाउ जो हमारा पास दार्जिलिंग में आ गया, तो मैं कहता हूँ कि सारा का सारा आसाम पे, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द गोरखाज नाउ, कि 1,63,447 ये केसेस में हम लोग में आ गया, लेकिन ये ऑथेंटिक तो नहीं है, वी आर वेरीफाइंग द फैक्ट, बट overall 19 lakhs people out here in Assam, they are left out from the NRC. This is the big concern for us. कि देखिए यहाँ पे एक citizen, एक नागरिक, we are not against of NRC, but we are against the procedure they are implementing in the field with in terms of the NRC. ये हम लोग oppose कर रहे हैं. तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी victim है उनको कैसे NRC का वो लेफ्ट आउट से बचा पाएँ, गोरखा हो या दूसरा कम्युनिटी हो, इसके लिए ग्राउंड जीरो में आके एक इंफॉर्मेशन लेना, उनके जायज़ा लेना, ये उचित है. तो इसलिए हम लोग ये समझा कि ठीक है, हम लोग ग्राउंड जीरो में जाएंगे, क्योंकि देखिए बड़ा बड़ा होटल में बैठ के, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के, बड़ा लीडर से बात करके ग्राउंड जीरो में क्या हो रहा है वो पता नहीं चलते, बिकॉज वी हैव टू सेव द पीपल ऑफ आसाम, दोज हु आर लेफ्ट आउट फ्रॉम द NRC. सो ये है हमारा. तो इसमें देखिए कोई हम लोग नहीं चाहे कि आसाम का पॉलिटिकल मैटर में हम लोग दखल नहीं देंगे, और इंटरनल मैटर में भी दखल नहीं देंगे, और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो ये भी हम लोग नहीं चाहते हैं. बट बीइंग द ब्रदर ऑफ द आसाम, हम लोग भी चाहते हैं कि एक हमारा दोस्त का, हमारा भाई लोग का, यहाँ पे हम लोग का रिलेटिव्स का कुछ हो गया, तो ये हमारा फर्ज बनते हैं, धर्म बनते हैं कि हम लोग आके कुछ हेल्प करें. और लीगल एक्सपेक्ट है, हम लोग चाहते हैं कि 19 लाख जो भी है और हमारा जो गोरखा है उनको हम लोग हेल्प कर सकें, और आने वाले दिन में हम लोग जरूर करेंगे. इसलिए फील्ड ब्रिज में आके हम लोग ग्राउंड जीरो में जाके सब हम लोग जायज़ा ले रहे हैं. अभी हमारा यहाँ पे जो एक NGO है, नागरिक सुरक्षा मंच, उनसे भी बात किया है, उनका पास सारा का सारा डिटेल्स भी है. दे आर वर्किंग वेरी गुड इन आसाम. हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ में और रिश्ता बना के हम लोग यहाँ का सभी का जो भी है हम लोग आगे का दिन में हम लोग करेंगे. तो देखिए आसाम विल गेट द पीसफुल एटमोसफियर इन विथ रिगार्ड टू द NRC. मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपने एक क्वेश्चन किया तो मैं ज़रूर बताता हूँ. मेरे आगे भी कोई लीडर आ गया है यहाँ पे आसाम पे, उनको वेलकम किया है. जब उनका पास उनको मिलने के जा रहा है वो लीडर लोग, तब उसने आग में घी नहीं डाला. जब मैं ग्राउंड जीरो में जा रहा हूँ तो फिर उनको बोलते हैं कि मैंने, फिर बहुत सारे बाहर का भी आ गया, जहाँ हमारा इलाके से भी आ गया है, उनको बहुत गुवाहाटी में बहुत वेलकम किया, 3-star होटल में बैठा के. ग्राउंड जीरो पे आया, लेकिन आपको तो धूमधाम से स्वागत करना चाहिए था, लेकिन आपको अपोज कर रहे हैं. अपोज माने, अपोज माने, मैं जब भी फील्ड में हमारा टीम जा रहा है, ऐसा फील्ड में तो अपोज नहीं हो रहा है, ओनली ये प्रेस का जरिए मैं प्रिंट मीडिया में, प्रिंट मीडिया में देखने आ रहा है कि अपोजिंग. बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन भाइयों को कि देखिए, मैं भी एक लीडर के नाते नहीं आया है, और आसाम में मेरे को MLA लड़ना भी नहीं है, MP लड़ना भी नहीं है, और मैं यहाँ आके कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं करना है, और मेरा पार्टी का यहाँ का संगठन बढ़ाने भी नहीं है. जो NRC से जो समस्या पैदा हो गया है, और जो हमारा भाई लोग है, बहन लोग है, उनका अगर आज उस दुख में है, दुख साथ बांटे, तो ये मेरा है, और उनको कैसे बचा सकें, कैसे बचा सकते हैं हम लोग, और एक फर्ज बनते हैं ये. तो मैं आई लाइक टू रिक्वेस्ट द लीडर्स ऑफ द ऑल आसाम गोरखा स्टूडेंट यूनियन, अपोज करने के बजाय हम लोग को सपोर्ट करें, बिकॉज वो लोग भी जो लीडर्स लोग हैं, जो भी है, मैं बोल देता हूँ कि वो भी आना चाहते हैं. वो लोग भी कई बार दार्जिलिंग आके स्पीच दिया है, और कई बार सिलगुड़ी आके स्पीच देते हैं, डोर्स में आके स्पीच देते हैं. हमने कभी नहीं ये बोला कि आप दार्जिलिंग में आके आग में घी ढाल रहे हैं, ऐसा नहीं बोला. और आज जहाँ पे है वो अपना काम करें, और उनको रिक्वेस्ट करते हैं, मैं दो हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी गोरखा का एक ऑर्गेनाइजेशन है, गोरखाओं को बचाने के लिए आप
काम करें और हम लोग भी काम करें, सभी मिलके काम करें, अपना अपना तरीका से काम करें, ताकि सबको गोरखा बच जाएँ और अदर कम्युनिटी भी बच जाएँ। ये है हमारा।